Let's do question number 4, exercise 1.3. Now look at the solution. देखिए कह रहा 0.99999 and 9, और इसके बाद देखिए कंटिन्यू फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है आपको p अपॉन q की फॉर्म है। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 9 जो है वो डिजिट ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.9 और ये हमारा पैरा लग जाएगा बाहर। तो अब देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा, लेट x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.9 बार और ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगल डिजिट पे जब बार लगा होता है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 के ऊपर लगा होता है तो हमें 100 से करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, किसमें इन इक्वेशन फर्स्ट में हम कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए 10 की x से करेंगे तो कितना हो गया आपका 10x हो गया है, और 0.9 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9 बार। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम 0.9 की मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो हमारे पास आता है 9.0, लेकिन हम यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0.9 बार की कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 10 से। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 9.9 बार, क्योंकि डेसिमल के बाद जो इस पर बार लगा होता है वही डिजिट फिर से रिपीट हो जाती है आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 9.9 और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाली को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर आएगा हमारे पास 9x और यहाँ पर आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/9 और ये डिवाइड हो जाएगा 1 जा, मीन्स हेयर वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ये किसकी वैल्यू है, ये है 0.9999 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। कितना निकल कर आ गया, इसका 1 निकल कर आ गया।